हरे कृष्णा टू ऑल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं घूमने वृंदावन में। तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन का, मोस्ट प्रॉब्ली हमारा जो टारगेट है वो तटीय आश्रम का है। तटीय आश्रम वो प्लेस है जहाँ पे बहुत सिद्ध आत्माएं आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा का स्मरण कर रही हैं। तो आज अगर हम वहाँ पहुँचे तो आपको अपने ब्लॉग से ज़रूर दिखाएंगे। और आज हम जा रहे हैं अपने नेबर्स के साथ, निक्कू के कुंज के अंकल आंटी के साथ। तो आज उन्हीं के साथ हम जा रहे हैं और वो आज हमें अपनी ट्रीट भी देंगे बेटे के होने की। तो आज काफ़ी टाइम बाद हुआ है क्योंकि, तो आज अब हम आपसे वहीं मिलेंगे। तो जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो आपसे मिलते हैं हम कुंज के छोटे भाई से, फिर से मिलाएंगे। हाँ, कुंज का छोटा भाई है वो, है ना। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आपको दिख रहा है, हम आ चुके हैं बरसाना और यहाँ पर है हम मेरे साथ डेला। हम बहुत टाइट पकड़ना पड़ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि बंदर है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर है किट्टू और ये हम हैं और ये किट्टू है और हम बरसाना की ये हमारे किट्टू, ये हम हैं और ये हमारे किट्टू है और ये हम बरसाने की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं एक। तो फ्रेंड्स, ये है राधा रानी के दादा दादी का घर। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए वहाँ दादा दादी वहाँ पर चढ़ गया देखो, और वो ऊपर ये है कुंज का भाई और ये आज आया बरसाना। हाँ, और हम खड़े हैं राधा रानी के दादा दादी घर में। किट्टू अभी तो उठ गया है। सब देख सकते हैं कितना पुराना है, काफी पुराने टाइम का घर है। ये अंदर का भी सारा पुराना है ना, ये तो अभी बना था, सब पुराना है ना। ये अंदर राधा रानी के दादा दादी की फोटो है मंदिर में। बरसाना धाम से है ये, बरसाना धाम से। अभी यहाँ से अंदर नहीं जा सकते इसलिए मैं बाहर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, ऊपर भी फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम ऊपर अब सीढ़ियों से जा रहे हैं बरसाना महल राधा रानी के। मयंक शर्मा, ये बेसिकली बरसाना से हैं। ये अपनी स्टॉल लगाते हैं यहाँ पे ना, ये पिकॉक स्टॉल है, बड़ी प्यारी प्यारी स्टॉल लगाई हुई है। तो ये भी हमारे वीडियो चैनल में आएंगे, तो आप देखना फ्राइडे को जो हमारी रिलीज होगी। कौन सी शॉप है आपकी? अच्छा, ये सामने भैया की शॉप है, सीढ़ियों पे। जैसे बरसाना महल के लिए आप ऊपर चढ़ोगे तो वहीं पर इनके सीढ़ियों की ये सीढ़ियों पर शॉप है। बड़े प्यारे प्यारे पिकॉक हैं, आप पिकॉक भी यहाँ से बाई कर सकते हैं जब भी आप बरसाना आएँ।
आपको व्यू दिखा रहे हैं, बिल्कुल नीचे का व्यू बहुत ऊंचाई पर है, अभी हम बहुत ऊंचाई पर हैं, है ना। और ये है आपका बरसाना महल की सीढ़ियाँ, जहाँ पे भक्त लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी भीड़ लगी हुई है। ये है श्री लाडली जी महाराज बरसाना गाँव। तो आप देख सकते हैं संडे का दिन है और भीड़ कितनी ज़्यादा है, क्योंकि राधा रानी के सभी भक्त यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि राधा रानी जी जिसको बुलाते हैं वो अपने आप चले आते हैं। तो हम लोग भी कुंज थक चुका है, कुंज क्या है सीढ़ियों पे 300 सीढ़ियाँ हम लोग चल के आए हैं। यहाँ पे सब भक्त लोग भजन गा रहे हैं और राधा रानी के मंदिर का खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ा सुंदर ये वही धाम है बरसाना, जहाँ राधा रानी रहती हैं और इस लाडली महल पे बैठ के वो अपने कृष्ण का इंतज़ार करती हैं। बहुत ऊंचाई पर है ये महल। आप सभी भक्त लोग घर से बैठ के देख के हमारे वीडियो के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं लाडली जी महाराज बरसाना महल के। नहीं 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 यहीं पे रहो बस, वहाँ पे नहीं निकी। तो हम बैठे हैं कुंज और मैं राधा रानी के मंदिर की सीढ़ियों पे। आप देखो कितनी नीची सीढ़ियाँ हैं कुंज। फ्रेंड्स, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। क्या? कि जब हम ये वीडियो बना रहे थे तो दादा ने वीडियो का वो ऑन नहीं करा और पहले स्टार्ट कर दिया। अच्छा, वो वहाँ ऑन करना भूल गया था मैं ना। तो आप देख सकते हो कुंज को बड़े मस्ती आ रही है यहाँ पे। चश्मा नहीं लगाया हुआ क्योंकि इसको डर है कि बंदर ले जाएगा चश्मा इसका। और बरसाना महल की सीढ़ियाँ हैं, बड़ा आनंद आता है बैठ के। कुंज इधर देखो ना, मेरे को 300 सीढ़ियाँ जब चढ़ा तो मैं तो सांस चढ़ गया बहुत ज़्यादा। कुंज को नहीं चढ़ा? चढ़ा तो। कुंज को भी चढ़ा पर कम चढ़ा, डैडी को ज़्यादा चढ़ा। बरसाना के रास्ते में खाना खाने के लिए रुके हैं और ये भैया ऑर्डर ले रहे हैं। भैया देख लो एक बार जरा कैमरे में हमारे, क्या नाम है भैया आपका? ये विजय भैया हैं, ये ऑर्डर ले रहे हैं हमारा। अभी हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं खाना खाने के लिए। कुंज और कुंज की आंटी ने बोला कि खाना खाना है। थोड़ा सा हम दिखाए थे। और ये रेस्टोरेंट हमें वाकई में पसंद आया, बहुत नीट एंड क्लीन है। जब भी आप बरसाना आ रहे हो रेस्टोरेंट में आप अच्छे से खाना खा सकते हैं। अभी हमने टेस्ट नहीं करा खाना, खाना देखते हैं कैसा है। तंदूरी रोटी और एक नान। भैया क्या नाम है आपके रेस्टोरेंट का? श्री लाडली रेस्टोरेंट। श्री लाडली रेस्टोरेंट, ये बरसाना से कितना दूर पड़ता है? 20 किलोमीटर दूर। अच्छा, ये बरसाना से 20 किलोमीटर दूर है। इसमें सबसे बेस्ट हमें क्या नज़र आया कि यहाँ की जो फिनिशिंग है और जो सफाई है, जैसे कोरोना काल थोड़ा बहुत चलता रहता है, उसमें जो हमने सोचा बच्चों के लिए खाना खाया जाए तो फैमिली के हिसाब से बड़ा अच्छा नीट एंड क्लीन लगा हमें। तो यहाँ की पेंटिंग सिखा रहे हैं हम आपको, बड़ी अच्छी पेंटिंग्स हैं। भैया हमारा चैनल है, सब्सक्राइब करिएगा, है ना। तो ये कान्हा जी की पेंटिंग है, काफ़ी अच्छा है। एक पेंटिंग ये रही सामने। भैया ये सब वॉलपेपर है, पेंटिंग बनाई गई है? पेंटिंग है। अच्छा, पेंटिंग ये मतलब हाथ से बनाई है? अच्छा, वॉलपेपर नहीं है ये, हैंडमेड पेंटिंग है। बहुत सुंदर है। आपका रेस्टोरेंट बहुत पसंद आया मुझे, रेस्टोरेंट बहुत पसंद आया, नीट एंड क्लीन एकदम बढ़िया।
ये मैं आपको इसका बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ। जब भी आप बरसाना है, बरसाना से 20 किलोमीटर पहले पड़ता है, एकदम सुनसान है। वैसे तो वैसे कोई डर नहीं है यहाँ पे लाडली रेस्टोरेंट के नाम से, तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। इसका हमने एडवर्टाइजमेंट भी कर दिया है, श्री लाडली रेस्टोरेंट। बरसाना से पहले अगर आप बरसाना आ रहे हैं तो उससे पहले 20 किलोमीटर पड़ता है और काफ़ी हाइजीनिक है, नीट एंड क्लीन है। इसको मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, व्यू अच्छा आएगा। हाँ, अब है ना व्यू आपका, ये देखिएगा। अब थोड़ा लाइट ऑन हो गया है। हाँ, कुंज बता रहा है कि भगवान जी की बहुत सारी पोर्ट्रेट है और सारी हैंडमेड पोर्ट्रेट है, मतलब जितनी भी पेंटिंग्स है सारी हैंडमेड है। अच्छा, ये सारी हाथ से बनाई हुई है चंद्र भाई, हाथ से सर, कोई भी पोस्टर नहीं है, ये दिल्ली से ओपन किया ये सर। अच्छा, हाँ यही वाला, ये हमारी फैमिली है। इसमें इसमें आप यहाँ पे जाओ। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं खाने का, देखते हैं कैसा खाना है। सो गाइस, कुंज का पनीर टिक्का आ गया है। थोड़ा सर्विंग थोड़ा सही नहीं लग रहा ना कुंज को, टेस्ट करके बताएगा कि टेस्ट कैसा है इसका ना। कुंज के चेहरे के सामने टेस्टी था, बहुत टेस्टी। अच्छा, कुंज को बहुत पसंद आया है, सबको पसंद आया, खाना ओवरऑल अच्छा है, सारी चीज़ अच्छी थी, सब्जी भी, दाल भी और पनीर भी, एवरीथिंग, इवन 3 तरह की चटनियाँ भी थी यहाँ पे, तो वो भी अच्छी लगी। नो डाउट, सफाई भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग भी रेस्टोरेंट में, मैं थोड़ा माइक नजदीक ले आता हूँ, आप लोग भी जब बरसाना आ रहे हैं तो रेस्टोरेंट का खाना जरूर टेस्ट करें। बाकी ये है श्री लाडली रेस्टोरेंट के सारे वर्कर्स या फिर ऑनर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और आज हमने यहाँ पे खाना खाया तो वाकई में बहुत अच्छा खाना था, लाडली रेस्टोरेंट का। बरसाना से 20 किलोमीटर पहले ये पड़ता है ना। जगह का नाम क्या है इसका? सकीतरा रोड। सकीतरा रोड। तो बेसिकली द फूड वाज वेरी ऑसम, इट इज़ रियली रियली वेरी गुड एंड वी आर वेरी इंप्रेस्ड टू ऑल ऑफ, मतलब इनकी नीट एंड क्लीन और साफ़ सफाई को देख के भी वी आर रियली वेरी इंप्रेस्ड। सो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वी विल विजिट हेयर एंड आई प्रेफर टू ऑल ऑफ यू हु वॉचिंग आवर चैनल, कम एंड स्टे हेयर एंड नहीं स्टे तो नहीं कर सकते बट कैन टेक द फूड, लंच, डिनर, वॉट एवर। सो इट्स रियली वेरी ऑसम, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।